हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम पहुंचे बलौदा बाजार जिला के गिधौरी पे। और गिधौरी और जांजगीर, ये मतलब बलौदा बाजार और जांजगीर का ये मेन बॉर्डर होता है, जहां पर आज ये जो जांजगीर जिला के जो शिवरी नारायण जो मेन पुल होती है, पुल के ऊपर से पर पानी जा रहा है, जिसकी वजह से जो गिधौरी है जो कि बलौदा बाजार जिला और जांजगीर जिला का जो बॉर्डर होता है, वो पूरा गांव जो है, दुकान जो है, सब में पानी घुसा पड़ा है। और अभी मैं आपको पूरा अंदर लेके दिखाऊंगा। हालांकि यहां पर देख सकते हैं इतने सारे लोग यहां पर देखने आए हुए हैं, जो कि पुलिस वाले सबको मना कर रहे हैं, किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ पर अंदर आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कहीं से परमिशन लिया और यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। और मैं आपको और भी अंदर लेकर दिखाऊंगा भी कि जो पुल है वो उसमें कितनी ज़्यादा पानी है और पुल से कितने फीट ऊपर पानी जा रहे। चलिए आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ये जो महानदी है जिसे हम सलियाघाट नदी के नाम से जानते हैं, महानदी के नाम से, वो उसका जो पानी है वो पूरा ये जो गांव है गिधौरी यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है। और चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह से यहाँ पर जो महानदी की जो पुल है उसके ऊपर से पानी बह रही है। चलिए अभी अब चलते हैं अपन अंदर। तो यार अभी आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ पानी में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ साथ और कई सारे लोग हैं जो अंदर पानी में घूमने जा रहे हैं। और ये जो नज़ारा होता है ये काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने भी आते हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ है इस क्षेत्र में, यही एक ऐसी जगह है जो सैनन का जो पुल है, शिवरी नारायण कहते हैं महानदी, और इस जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हैं देखने के लिए, क्योंकि इस तरह के जो माहौल होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो ये जो शिवरी नारायण है, ये यहाँ वही शिवरी नारायण है जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने सबरी के हाथों से बेर खाया हुआ था। बस ये वही शिवरी नारायण है, यहाँ पर मेला भी लगती है। और यही वो महानदी है जिस पर जो पुल बनी है उसके ठीक पुल के ऊपर यहाँ पर पानी बहती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर ले जा करके। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम पानी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके लिए सब चीज़ जायज़ है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हम अंदर जा ही रहे हैं यहाँ पर, और ये मेन रोड है यार, मेन रोड है। और इसी मेन रोड पर जो है पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे घर भी है, दुकान भी है, और सभी दुकानों में पानी घुसा पड़ा है। और दुकान के साथ साथ घरों में भी पानी भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। तो चलिए अपन अंदर देखते हैं और आपको मैं मेन जो मेन महानदी जो पुल है उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और उम्मीद है कि हम देख पाएंगे, क्योंकि मेन तो वही है यार, वो जो महानदी है, इसी महानदी से जो है पानी ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पानी बिखरा हुआ है। तो चलिए अभी और अंदर चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हैं घरों के अंदर पूरा पानी घुसा पड़ा है इस तरह से। और हालाँकि हम इसे देख तो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में पानी घुसा है उन लोगों के लिए सोचो ये कितनी दुविधाजनक बात होगी, क्योंकि घरों में पानी अंदर जाने से मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपके घर में पानी अंदर चली जाए तो उस वक्त की जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं लोग यहाँ पर घूमने भी आए हुए हैं काफ़ी सारे। और वहाँ अगर हम सामने फ्रंट की अगर बात करें तो वहाँ पर पुलिस वाले सबको रोक रहे हैं अंदर आने से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, इसकी वजह से यहाँ पर पुलिस वाले सबको रोक रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर परमिशन लेकर के अंदर आ गया है और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। और वो रहा महानदी पुल, देख सकते हैं वहाँ पर मेन पुल वही है। चलिए और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज ये जो नज़ारा है ना ये काफ़ी देखने लायक होता है। और मैं अपने लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि घरों के अंदर पानी है, दुकानों के अंदर पानी है, और ये जो पानी है महानदी का पानी है, इसलिए पानी एकदम फ्रेश है, साफ़ है। तो चलिए और हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सबकी दुकानें बंद पड़ी है, जो दुकानदारी है सब पूरा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे केस में होता क्या है कि लोग यहाँ पर आ जा नहीं सकते, पुलिस वाले सबको मना कर रहे हैं इधर आने से, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर और अंदर चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लगा है बैरिकेड, और यहाँ पर लहर काफ़ी ज़्यादा है, लहर यहाँ पर बढ़ चुकी है, फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको दिखाने की। और हालाँकि वहाँ जाने पर तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए और अंदर चलते हैं, और यहाँ पर लहर काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मुझे खुद भी डर लग रहा है यार, क्योंकि यहाँ पर लहर काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है इस तरह से। और इसी बैरिकेड की अगर हम उस साइड जाते हैं तो ये सीधा महानदी पुल है जिस पर गाड़ी गुजरती है, और साल के ऐसे बरसात के दिन पर ही जो ये पुल के ऊपर पानी आती है। बाकी हमेशा जो है ये जांजगीर से जोड़ती है, मतलब बलौदा बाजार से जांजगीर जिले को ये वाला जो पुल है वो जोड़ के रखती है। चलिए और अंदर चलते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो पानी का जो लहर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
और पानी की लहर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए सब जायज़, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं महानदी के पास इस तरह से। अब हम और भी अंदर चलते हैं, आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेड लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर हमारा बैरिकेड लगा हुआ है। और बैरिकेड के ठीक साइड पर देखते हैं तो देख सकते हैं महानदी की जो पुल है वो हमें देखने को मिलती है। और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो अभी आप देख सकते हैं ये है महानदी पुल, ये है महानदी पुल। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पुल के ऊपर से यहाँ पर पानी तेज बह रही है। और इसी पुल पर जो है हमेशा जो है गाड़ी चलती है, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है। और आज इस पुल के ऊपर से पानी इतनी ज़्यादा बह रही है आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर का नज़ारा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और पुल के ऊपर पानी बहने से ही पूरे क्षेत्र में जो है पूरा पानी फैला हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी बैठे हैं, और ये देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो मना कर रहे हैं इस साइड जाने से। बाकी आप देख सकते हैं ये जो मेन पुल है, यही वाला पुल है, मैं बलौदा बाज़ार से जो जांजगीर ज़िला उसे जोड़ के रखती है। और इधर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं इस साइड भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जो मना कर रहे हैं इधर अंदर जाने से, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है उस साइड जा कर के जो है कोई मतलब कोई ऐसे दुर्घटना ना हो जाए। तो दुर्घटना के डर से यहाँ पर सब मना कर रहा है वहाँ जाने से। और यहाँ पर बैरिकेड बंद कर दिया गया है, जो कि सब यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर आने से सबको मना इसी नहीं किया जा रहा कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि देखो यार ये बारिश है और बारिश का पानी इतना तेज़ होता ही है, लहर इतनी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं इस पानी की तो ये महानदी का पानी है, जिसकी वजह से लहर काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया जब हम वहाँ से इंटर कर रहे थे उसी वक्त यहाँ पर की जो लहर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसे केस में अगर हम थोड़ी सी भी अंदर जाते हैं और अगर लहर ज़्यादा हो जाती तो ऐसे केस में हम भी वहाँ पर नीचे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर, देख सकते हैं ये जो मेन महानदी यही वाला है जो कि पूरा फुल है। और ये तो फिर अपन गाड़ी आने जाने के लिए से बनाया गया है ना। और ये वही शिवरी नारायण है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वही शिवरी नारायण है जिस शिवरी नारायण पर मेला लगता है, ठीक है, जहाँ भगवान श्री राम जी ने जो है सबरी के हाथों से बेर खाया था, ये वही शिवरी नारायण है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा, सब तरफ पानी जो है अब बह रही है इस तरह से आप देख सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर चेकाबंदी किया गया है, लेकिन फिर भी पानी को रोक पाना इतना आसान तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अपन वापस चलते हैं, देख लेते हैं और कैसा कुछ नज़ारा है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी पानी भरी हुई, सबकी दुकानें बंद पड़ी है, सभी की दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी, क्योंकि ऐसे में क्या है मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है लगातार हो रही बारिश से। और यहाँ डर काफ़ी ज़्यादा है यार, लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर है। अभी हम खुद भी जब अंदर आ रहे थे तो यहाँ पर लोग मना कर रहे थे अंदर जाने से, साथ ही यहाँ पर टोक रहे थे कि उधर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं अंदर गया, आपको दिखाया कि जो पुल है वो किस तरह से यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं पूरा घरों के अंदर पानी भरा हुआ है यार, पूरा घरों के अंदर। ऐसे हम सोच सकते हैं उन घर मालिकों का हाल क्या होगा, उन लोगों की हालत कैसी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यार जब घर में थोड़ी सी पानी गिर जाती है तो कितना गंदा लगता है। और ऐसे कैसे पूरा घर के अंदर पानी भरा हो तो सोचो क्या हाल होता होगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो खैर वक्त की बात है, और साल में ऐसा एक या दो बार होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो उन लोग पहले से सतर्क रहते हैं, अपने घरों का जो सामान होता है उसे पहले से ही बाहर निकाल लिए होते हैं। और अगर हम इस साइड की अगर बात करते तो इधर भी पूरा पानी घर के अंदर में घुसा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बाहर की नज़ारा दिखाता हूँ, ये जहाँ तक पानी भरा हुआ है इसके बाहर जहाँ पर पुलिस वाले जो है लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं उस जगह को देख लेते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा है।